इस साल यूपीएससी 1056 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करेगी। आइए आज हम बात करेंगे यूपीएससी अधिसूचना 2024 के बारे में। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यूपीएससी के एप्लीकेशन पोर्टल upsconline.nic.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हुए परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। यह परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय सूचना सेवा समेत 21 अखिल भारतीय सेवाओं में ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर सीधी भर्ती दिलाने वाली है। इस बार की अधिसूचना के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा के साथ साथ भारतीय वन सेवा परीक्षा का भी आयोजन होगा। दोनों की परीक्षाओं का पहला चरण संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा फॉर्म भरना होगा। इस बड़े मौके को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को अपनी तैयारी में पूरी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को हम शुभकामनाएं देते हैं।